झारखंड में सबसे ज्यादा आबादी है आदिवासियों की, लेकिन इस राज्य में भी आदिवासियों को अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ रही है। इसी की कड़ी में एक और जंग उन्होंने छेड़ी सरहुल पर्व के दौरान। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस और आदिवासियों के बीच भिड़ंत हुई, आखिर क्यों, देखते हैं। एक तरफ आदिवासी तो दूसरी तरफ है झारखंड पुलिस। ये जंग छिड़ी है आम आदमियों के पुलिस महकमे के खिलाफ। इस पत्थरबाजी की वजह सुनकर आप चौंक जाएंगे। भीड़ का गुस्सा पुलिस पर क्यों उतर रहा है, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये पत्थरबाजी महज कुछ मछलियों के लिए हो रही है। जी हाँ, महज कुछ मछलियों के पीछे मचा रहा रांची की सड़कों पर ये घमासान। आपको बता दें कि झारखंड में सदियों से आदिवासी समाज के बीच एक परंपरा चली आ रही है। सरहुल पर्व में आदिवासी समाज मिलकर किसी एक तालाब में छिपकर मछलियां पकड़ते हैं। रांची में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हजारों की संख्या में आदिवासी अपने इस पर्व को मनाने के लिए जब तालाब के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन पर लाठियां भांजनी प्रारंभ कर दी। हर साल मतलब प्रशासन भी सपोर्ट करता है, इस साल केवल मतलब प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसी चलते हम लोग मतलब नेता लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये चीज़ यहाँ हम लोग मतलब 12 बजे तक पूजा वूजा करना पड़ता है, बस वही चीज़ है। पुलिस का तर्क था कि आदिवासी मछलियां चुरा कर खाते हैं और कानून की नज़र में ये बेहद गलत है। हर साल ये लोग 4 लाख 5 लाख की मछली बात जबरदस्ती, उनकी बाउंड्री वाल पहले नहीं था तो मछली मार लिया करते थे। ये हमसे संपर्क किए, मैंने कहा कि इनको एक आदमी अगर परिंदा भी घुस जाएगा तो फिर हम लोग क्या करते, हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो राजनीति का तड़का भी लग गया। आदिवासियों के समर्थन में उतर आए कांग्रेसी नेता सुबोध कांत सहाय। हर साल में एक दिन का होता है, ऑलमोस्ट हर जगह का तालाब खाली खुला रहता है इनके लिए। इस बार कोई तालाब जो है वो बंद कर दिया है और इसीलिए ये लोग थोड़ा उग्र होकर के आए थे। मैं समझता हूँ कि जो परंपरा है वो परंपरा में कितना नफा और नुकसान नहीं दिया देखा जाता है, क्योंकि मछली तालाब में ही है तो उसमें इनको मारने देना चाहिए। सरहुल पर्व हर साल रांची में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में आदिवासी पेड़ की पूजा करते हैं और उनकी रक्षा का प्रण करते हैं। मंगल गीत गाए जाते हैं, आदिवासी धुनों पर नाचता है। लेकिन इस साल जिस तरह आदिवासियों के इस पर्व में जो खलल पड़ी उससे ये समाज काफी नाराज है। समय के लिए मुकेश के साथ ओम प्रकाश।